अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? कितनी बार कहा है ऐसे जाने से मन डराया कर यू। हैप्पी बर्थडे ताए। सच है कि नव्या कनिका और मेरी बेटी है और ये बात कनिका को भी नहीं पता। तुम और शुभ सगे भाई बहन नहीं हो नव्या। क्यों नव्या क्यों? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या किया है मैंने युग? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भाई को पागल खाने भेजने वाला कौन है? मेरे ताई को मारने वाला भी फूफा जी थे। फिर भी तुम उस इंसान का साथ दे रही हो। मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ ना, मैं किसी को बचा रही हूँ युग। पहले ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया युग। युग, भाभी की सदमे में ना तुम पागल हो गए, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने किसी को बताया नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। युग, ऐसा मत करो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दूर रहो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? दोबारा उसे छुए ना हाथ कर दूंगा तुम्हारे। पहले अपनी बहन को समझाइए आप। झूठ बोलने से रिश्ते तबाह हो जाते हैं, बसे बसाए घर बिगड़ जाते हैं। आज इसके एक झूठ की वजह से मैं अपनी ताई के कातिल तक नहीं पहुंच पाया हूं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी युग? मैं उन्हें क्यों बचाऊंगी? क्या लगते हैं वो मेरे? हाँ, मेरे सगे नहीं है युग। सगे नहीं है? हाँ, कसम खा अपने भाई, खा अपनी कसम। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? खाओ ना।
अगर सच साबित करने के लिए मुझे मेरे भैया की कसम खानी पड़ेगी तो मैं कसम खाती हूँ कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। मिल गई शांति? हो गई तसल्ली। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बहन मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकती। एक बात ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को। देखो योग, मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझता हूँ। दर्द समझते हैं, लेकिन हम दोनों का दुख एक जैसा है। ऐसे आपा खोने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलो नव्या। हाँ। हाँ बेटा बोलो। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। आई एम सॉरी बिकॉज आपने मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए और मैं हमेशा को गलत समझती रही। नहीं बेटा, एक औलाद चाहे जो कुछ भी करे, माँ बाप के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता, खास करके पापा का उसकी बेटी के लिए। एक बाप तो अपनी बेटी को अपने कंधे पे बिठा के चलता है ताकि उसके पैरों में चोट ना लगे। मैं समझ सकती, इसलिए मैं ये देने आई हूँ आपको। ये लीजिए पापा, अब कभी कोई सच नहीं जान पाता। आज तक आपने इतनी तकलीफें इतने दर्द सहे हैं, लेकिन अब मैं आपका सहारा बनूंगी। मैं आपके साथ चट्टान बनकर खड़ी रहूंगी पापा। अब मेरे होते हुए आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा, कभी नहीं। नव्या तुम यहाँ? सब ठीक तो है कनिका? इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए ना, क्या हुआ? कनिका, जिस ममता को देने के लिए तुम इतने साल तड़पती रही, उस तड़प का जिम्मेदार मैं हूँ कनिका। मेरी वजह से लोगों ने तुम्हें ताने दिए, अभागन कहा और न जाने और क्या क्या। क्या हो गया आपको, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कनिका मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नव्या हमारी बेटी है। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे। भाई साहब ने अपनी बेटी खो दी थी और डॉक्टर ने कहा कि भाभी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उनकी जान भी जा सकती है। तो भाई साहब मेरे पास आए, गिड़गिड़ाए, अपनी खुशी के लिए उन्होंने हमारी खुशी हमसे छीन ली। आप सच कह रहे हैं नव्या हमारी बेटी है? मैं विश्वास नहीं आता तो मेरा डीएनए टेस्ट ले लो, मैं और क्या कहूं। जिंदगी भर में मैं जिस हालात के लिए तरसती रही वो मेरे सामने ही थी। नव्या, अगर पापा नहीं होते ना
तो मैं जिंदा नहीं होती, मेरी फोटो भी वहां लगी। खबरदार, ये लफ्ज़ उसे नहीं निकालना बेटा, हमारे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। देखो घर के हालात जैसे है ना, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, खास करके शुभ को, वरना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, शुभ शुभ के इस हालात में हमें उसके साथ रहना चाहिए, है ना। नीचे चलते हैं, सब लोग आ गए, अपने आंसू पोंछ लो, चलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो नव्या को लेने आई थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी मिल गई। हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नीचे चल, चुप कर, चल आ चलिए। अब देख शुभ मैं तेरा क्या हाल करता हूं। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।